हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्विंकल बनी पे। और आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट टू, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हाइयर प्लांट्स। तो उसमें हमने कल पढ़ लिया था आज हम चालू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमें एक तरह पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ओरल होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ओरल होते हैं, ये दो ओरल्स होते हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ओरल्स के बारे में। अब मेल रिप्रोडक्टिव ओरल्स के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि मेल रिप्रोडक्टिव ओरल्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, ओके। और उसके जो इंडिविजुअल मेम्बर्स रहते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैमेन, ओके। और जो स्टैमेन रहता है वो फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, ये तीन चीज़ों को कंसिस्ट करता है। फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, ये तीन चीज़ें जो है वो स्टैमेन कंसिस्ट करता है। अगर किसी ने पूछा कि मेल रिप्रोडक्टिव ओरल में फ्लावर में क्या आएगा, आप ये बताओ, क्या बोलोगे आप लोग? फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, ये तीन पार्ट्स जो है वो फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं एंथर के बारे में। एंथर क्या है अभी बताया, स्टैमेन जो है वो एंथर कंसिस्ट करता है भैया। तो हम एंथर के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ओरल का मेन पार्ट है, ओके। इसके थ्रू न्यू फ्लावर वो होता है ग्रो, ओके। तो हम पहले यहाँ पढ़ लेते हैं किसके बारे में, अपना स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में क्या दिया है, एन इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पैरेन्चिमेटियस टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर एपिडर्म, ओके। जो इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर, मतलब जो इमेच्योर स्टेज है एंथर की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये बताती है वहाँ पे पैरेन्चिमेटियस टिश्यू जो है वहाँ पे ग्रुप है जो एपिडर्म क्या है, एंथर की जो ये लेयर है। मैं आपको इसको जूम करके बताती हूँ, ओके। अभी हमें इतना ही पढ़ना है तो हम इसी के पास फोकस करेंगे, ओके। तो यहाँ क्या बता रही है, ये जो बाहर की सबसे बाहर की लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, इपिडर्म्स बोलते हैं, ओके। तो वो ये बता रहा है जो इमैच्योर क्या है, इमैच्योर स्टेज है एंथर की, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे जो पैरेन्चिमेटियस टिश्यूज़ है वो उस लेयर को, वो सिंगल लेयर को सराउंड करके रखा है, वो इपिडर्म्स को क्या करके रखा है, सराउंड करके रखा है। अब क्या बता रहा है, जो एंथर है वो डायशियस, मतलब टू लोब्स से बना हुआ है, ओके। अब मैं आपको बता देती हूँ लोब्स क्या हुआ, क्या है लोब्स हुए ना, ये दो लोब्स हुए, ओके। तो यहाँ क्या बताया, डायशियस, ओके, मतलब डायशियस मतलब यू कैन कॉल देम डायथियस, ओके डायथिस्कस। देन अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि डायथिशियस जो प्लांट है, जो एंथर है, ओके, जो डाई जिसके पास दो लोब्स है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिया, ओके। उसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिया। अगर वहाँ पे बोला गया कि वहाँ पे टू लोब्स नहीं है, ओनली वन लोब्स है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोथिशियस। मोनोथिशियस मतलब जो सिर्फ टू पोलन सेक्स कंटेन करता हूँ। अब वहाँ पे कितने, वहाँ की चार पोलन सेक्स जो है वो कंटेन करता है एंथर, ओके। अब क्या बताया गया है यहाँ पे, हम इस एंथर को टेट्रास्पोरेंजियस क्यों बोल रहे हैं, इस एंथर को हम टेट्रास्पोरेंजियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, चार पोलन सेक कंसिस्ट कर रहा है, ओके। टू लोब्स हियर दैट मीन्स टेट्रास्पोरेंजियस, इसके ऐसे हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, ये है हमारा एंथर, ओके। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि ये जो हमारा द हेट्रोजेनेसिटी अराइज व्हेन सम हाइपोडर्मल सेल गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एपिडर्मल सेल्स, ओके। इसका मतलब क्या, उसके बाद क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो हाइपोडर्मल सेल्स है, ओके, अब वो मैच्योर होने के लिए क्या कर रहा है, ओ माय गॉश, ये बहुत बड़ा हो गया, ओके। तो ये क्या कर रहा है, मैच्योर होने के लिए क्या कर रहा है, वो हाइपोडर्मल सेल हो रहा है आर्चिपोरल सेल में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट हो रहा है आर्चिपोरल सेल में। जब वो मैच्योर हो जाता है एंथर, तब वो आर्चिपोरल सेल फॉर्म करता है, ओके। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं,
माय गॉश, ओके अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टी एस ऑफ एंथर के बारे में. ओके टी एस ऑफ एंथर में क्या बता रहा है, द आर्चिपोरियल सेल डिवाइडेड इंटू एन इनर स्पोरेंजियस सेल एंड आउटर प्राइमरी पार्शियल सेल. क्या बता रहा है, जो आर्चिपोरल सेल है जो मैच्योर हुआ था उस टाइम पे, उसने क्या किया, उसने दो टाइप में डिवाइड हो गया. इनर टाइप में उसने स्पोरेंजियस सेल बनाया और आउटर टाइप में उसने प्राइमरी पार्शियल सेल बनाया. ओके जो हमारा स्पोरेंजियस सेल है उसने क्या किया, स्पोरेंजियस टिश्यू बनाया, और जो स्पोरेंजियस टिश्यू है वो माइक्रोस्पोर टेट्रेट को, माइक्रोस्पोर टेट्रेट अब क्या होगा, ओके माइक्रोस्पोर टेट्रेट क्या होगा अब मैं बताती हूँ आपको. ओके तो इसमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि माइक्रोस्पोर टेट्रेट वो, ओ माय गॉश, माइक्रोस्पोर टेट्रेट वो क्या कर रहा है, अराइज कर रहा है. माइक्रोस्पोर टेट्रेट क्या हुआ, हम आगे अभी पढ़ेंगे यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियस में. ओके अब क्या बता रहा है, हमारा जो स्पोरेंजियस सेल था उसने क्या किया, स्पोरेंजियस टिश्यू बनाया. स्पोरेंजियस टिश्यू ने क्या किया, उसने माइक्रोस्पोर टेट्रेट को अराइज किया. ओके अब क्या है दूसरा, पार्शियल सेल. पार्शियल सेल क्या करेगा, डिवीजन करेगा एंथर की वॉल लेयर को. ओके वॉल लेयर में क्या करेगा, डिवीजन करेगा. वहाँ क्या होगा, जो वॉल रहेगा मतलब ये जो वॉल है एंथर की, वो क्या करेगा, मैच्योर होने के बाद चार लेयर कंसिस्ट करेगा. चार लेयर क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा. पहला लेयर का नाम क्या है, इपिडर्मिस. ओके यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ओके ये इपिडर्मिस हुआ. दूसरा लेयर क्या हुआ, एंडोथीशियम. ओके एंडोथीशियम क्या हुआ, दूसरा लेयर. तीसरा लेयर हुआ मिडल लेयर, और चौथा हुआ टैपिटम. ओके ये चार लेयर कौन है, अपना पार्शियल सेल कंसिस्ट करता है, आई मीन वॉल ऑफ मैच्योर भी कंसिस्ट करता है. ओके पहला क्या बताया है, इपिडर्मिस के बारे में. इपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, मेड अप ऑफ ट्यूबुलर मतलब फ्लैटेंड सेल्स. ओके अब इतना ध्यान रखना कि ये चार सेल क्या काम करते हैं. इपिडर्मिस क्या काम करता है, आउटर मोस्ट लेयर है, साथ ही साथ क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा बाहर से. ओके और किस सेल से बना हुआ है, वो फ्लैटन सेल से, फ्लैट सेल से बने हुए हैं. ओके दूसरा आता है एंडोथीशियम, वो क्या है, सब इपिडर्मल लेयर है जो रेडियली इलोंगेटेड सेल से बने हुए हैं. ठीक है जो इंडोथिकम है, इंडोथीशियम्स वो क्या है, इपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर है, वो किससे बने हुए हैं, इलोंगेटेड सेल से. उसमें क्या है, फाइब्रस थिकनिंग है. ओके उसके बाद क्या बोला गया है, एंडोथिकम के बाद कौन सी लेयर आती है, मिडल लेयर. ओके मिडल लेयर क्या काम करता है, एकदम पतली लेयर रहती है वो. ओके एकदम पतली लेयर रहती है, और वो जो रहती है, ओके यहाँ पे बोला है, मेड अप ऑफ थिन वॉल सेल्स विच मे डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर. ओके इसके बाद क्या बता रहा है, जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, जब वो मैच्योर हो जाएगा तब यहाँ से ये लेयर से सब एंथर्स बाहर आएंगे. तो ये लेयर क्या हुई, मिडल लेयर हुई. ओके उसके बाद मिडल लेयर के बाद क्या आएगा, टैपिटम. टैपिटम क्या है, सबसे नीचे की लेयर. ओके मतलब इनर मोस्ट लेयर, और वो क्या करेगी, हमारे एंथर वॉल को क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. ठीक है ये चार मैंने बता दिया, जैसे इपिडर्मिस के बारे में बताया तो क्या बोला, आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, फ्लैटन सेल से बनी हुई है. दूसरा क्या है, एंडोथीशियम. एंडोथीशियम क्या है, सब इपिडर्मल लेयर है, इलोंगेटेड सेल से बनी हुई है, और साथ ही साथ उसमें फाइब्रस थिकनिंग है. उसके बाद क्या बताया, एंडोथीशियम के नीचे क्या है, मिडल लेयर है. मिडल लेयर क्या है, थिन वॉल सेल से बना हुआ है, और वो क्या करता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो एंथर से डिसइंटीग्रेट हो जाता है. और लास्ट आती है अपने टैपिटम. टैपिटम क्या है, इनर मोस्ट है और न्यूट्रिशन लेयर है, और मतलब हमारे जो एंथर है, एंथर की वॉल है, उसको क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है. ओके ये काम वो करती है. और उसके बाद बताया, इट इमीजिएटली इनक्लोज द स्पोरेंजियस टिश्यू. ओके कहा क्या बताया, इट इमीजिएटली इनक्लोज द स्पोरेंजियस टिश्यू. ओके अब क्या बता रहे हैं, उसके बाद क्या होता है हमारा, माइक्रो स्पोरेंजियसिस. ओके मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर टेट्रेट के बारे में, मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर टेट्रेट के बारे में, मैं आपको बताने वाली हूँ, तो अब उसी के बारे में हम पता करते हैं. ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियस के बारे में. यहाँ
क्या बता रहा है ये, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टेट्राइड ऑफ हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स। ओके, अब हमारा एंथर बन गया। अब एंथर को क्या करना है, पोलन ग्रेन बनाना है। पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, माइक्रोस्पोर को क्या बोलेंगे हम, सीधा सीधा हैप्लोइड माइक्रोस्पोर को बोल देना पोलन ग्रेन है भैया ये तो, ठीक है। क्या कर रहा है, जो मदर सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करिए माइटोटिक, मियोटिक जो है माइटोटिक है जो डिवीज़न होती है उससे वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है और क्या बना रही है, टेट्रेड बना रही है। टेट्रेड मतलब क्या हुआ, फोर सेल्स। ओके, टेट्रेड बना रही है माइक्रोस्पोर का। कैसा माइक्रोस्पोर बना रही है, हैप्लॉइड बना रही है। ओके, हैप्लॉइड बना रही है मतलब वहाँ पे आएगा एन नंबर। ओके, एन हैप्लॉइड में सिर्फ एन लिखते हैं, डिप्लॉइड में क्या बोलते हैं, टू एन बोलते हैं। ओके, सो क्या बना रहे हैं ये लोग, माइक्रोस्पोरेंजियोसिस जो है, ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरेंजियोसिस जो प्रोसेस है वो क्या कर रही है, पोलन ग्रेन बना रही है। ओके, कैसा पोलन ग्रेन बना रही है, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन बना रही है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर कैसा है, अब हमने क्या क्या देखा, हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में कि वो क्या कंसिस्ट करता है, उसके ईच इंडिविजुअल्स को हम स्टैमिन बोलते हैं। उसके बाद देखा कि टीएस ऑफ एंथर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कैसा है। उसके बाद हमने देखा कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है, अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है अब वो देखेंगे, ठीक है। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, टिपिकल पोलन ग्रेन इज अ नॉन मोटाइल। चलो भैया पहले ही बता दिया कि भैया नॉन मोटाइल है। उसके बाद बोला है हैप्लॉइड है, उसके बाद बोला है यूनिसेलुलर बॉडी है और साथ ही साथ उसके पास सिंगल न्यूक्लियस है। ओके, पहले बता दिया नॉन मोटाइल है भैया, ये तो जगह से हिल नहीं सकता, इसको हिलाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हैप्लॉइड है, एन नंबर है उनके पास। उसके बाद यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मतलब सबको पता है एक सेल से बने हुए। ओके, और उनके पास क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जो हमारा प्यारा सा पोलन ग्रेन है वो दो लेयर से सराउंड करता है। ओके, तो उस दो लेयर को हम, उस दो लेयर वॉल को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडम। ओके, स्पोरोडम। अब जो स्पोरोडम है वो दो टाइप के, एक है एक्साइन और दूसरा है एंटाइन, इंटाइन। ओके, जो बाहर की लेयर है, जो हमारी बाहर की लेयर है, यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे जो हमारी बाहर की लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, जो बनी हुई है नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम, जो एक्साइन है वो कैसी है, बाहर की लेयर है। किसकी बाहर की लेयर है, स्पोरोडम की बाहर की लेयर है, ठीक है। और जो एक्साइन है वो किससे बनी हुई है, एक बहुत ही अलग बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारा प्यारा सा चुटकू सा स्पोरोपोलिन। ओके, स्पोरोपोलिन। ओके, क्या है, हमारा एक्साइन जिससे बना हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। ओके, अब क्या बताया यहाँ पे, हमारा जो वो है कौन, एक्साइन, और वो कुछ लेयर से ना आधा अधूरा शो करता है, मतलब आधा अधूरा जो डिस्टेंस, मतलब आपके लोगों को मैं आपको बताती हूँ, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इससे, यहाँ पे क्या है तो मैं आपको जूम करके बताती हूँ। ये जो हमारा डायग्राम है, ये क्या है, ये हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जो बाहर की लेयर है उसको हम क्या बोलिए, एक्साइन बोल दिए। अब एक्साइन के बीचों बीच आप देखोगे कुछ कुछ गैपों में ना यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी गैप्स दी हुई है जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। उस ब्लैंक स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जम स्पोर। ओके, जम फोर। ओके, जो यहाँ पे दिया हुआ है जम फोर। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, जम फोर। ओके, उसके बाद क्या बताया गया, जो हमारा इंटाइन, उसके बाद बताया गया हमारे इंटाइन भैया के बारे में। इंटाइन भैया के बारे में क्या बता रहा है, जो हमारा इंटाइन भैया है वो इनर वॉल है। किसका इनर वॉल है, स्पोरोडम का इनर वॉल है भैया। वो क्या करके रखता है, वो कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ एक काम करता है, सेलुलोज और पेक्टिन कंसिस्ट करके रखता है। कौन कंसिस्ट करता है सेलुलोज और पेक्टिन, हमारा प्यारा सा इंटाइन, ठीक है। उसका क्या होता है, हमारे
डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में क्या बताया है, ये बताया है कि पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हमारा पोलन ग्रेन जब बनता है तब समझ जाना कि अब भैया मेल गैमेटोफाइट की बिगिनिंग चालू हो गई है, मतलब अब मेल मैच्योर हो चुका है, अब वो बस फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल में जाएगा, मतलब जाएगा मतलब डेवलपमेंट होने के बाद जाएगा, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर एंड नेकेड वेजिटेटिव सेल। हमारा पोलन ग्रेन पहली बार जब माइटोटिक करेगा, क्या करता है, ये दो बार माइटोटिक डिवीजन करता है। पहला माइटोटिक डिवीजन करता है तब क्या होता है, हमारा पहला माइटोटिक डिवीजन करने के बाद हमारा जो ये सेल है, जो डिवीज़न होती है उसमें क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा वेजिटेटिव सेल बनाता है और साथ ही साथ एक जनरेटिव सेल बनाता है। वो कैसा होता है, वो स्मॉल होता है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर होता है और नेकेड होता है, और जो हमारा जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होता है और उसके पास एक वॉल होती है, ओके। अब यहाँ क्या बताया, वेजिटेटिव सेल जो रहता है वो इरेगुलर न्यूक्लियस के शेप में रहता है, ओके। और जो हमारा जनरेटिव सेल है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, जनरेटिव सेल के प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। यहाँ पे क्या बताया, देखो ये क्या हो गया हमारा वेजिटेटिव सेल हो गया, ओके। और ये क्या हो गया हमारा जनरेटिव सेल हो गया। क्या कर रहा है वो, साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। और हमारा वेजिटेटिव सेल क्या करता है, रिच इन फूड में, मतलब उसके पास भरपूर फूड रहता है, ओके, फूड रहता है। उसके क्या करता है, पहले माइटोटिक डिवीजन में क्या हुआ, उसने दो सेल बनाया, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव में क्या बताया कि वो बिगर होता है और नेकेड होता है, और जनरेटिव में क्या बताया, वो स्मॉल होता है, उसमें थिन वॉल रहती है, ओके। उसके बाद क्या बताया कि जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है उसके पास इरेगुलर शेप के न्यूक्लियस रहता है, और जो हमारा जनरेटिव है सेल वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के, ओके। अब सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में क्या बता रहा है, सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में ये बता रहा है इसमें क्या बता रहा है, द सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न इज कंसर्न विद जनरेटिव सेल ओनली। उसका किसी से लेना देना नहीं, उसको सिर्फ जनरेटिव सेल से लेना देना है, उस जनरेटिव सेल को रखेगा अपने पास, ओके। और क्या करेगा, दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, मतलब बनाएगा, ठीक है। अब हमारा वेजिटेटिव सेल का आप कुछ भी लेना देना नहीं, सेकेंड उसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में सिर्फ जनरेटिव सेल जो है वो काम कर रही है। तो जनरेटिव सेल ने क्या किया, दो नॉन मोटाइल गैमेट्स बनाया, मेल गैमेट्स बनाए। उसे क्या किया, माइटोटिक डिवीज़न ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस आइदर इन पोलन ग्रेन और इन पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक दो तीन चार पाँच छः डायग्राम्स दिख रही, पर ये छः डायग्राम एक ही है। ये वाला होने के बाद इस टाइप से होता है प्रोसेस, उसके बाद इस टाइप की प्रोसेस होती है, उसके बाद ये वाली प्रोसेस होती है, और फिर ये वाली होती है, और फिर ये वाली होती है। ये जो लास्ट की प्रोसेस है, ओके, ये जो लास्ट की प्रोसेस है, जो लास्ट की प्रोसेस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम पोलन ट्यूब, ओके। जो मैंने येलो कलर में बताया है वो पोलन ट्यूब है, ठीक है। पोलन ट्यूब में क्या है, अब ये बताया कि जो हमारे दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए वो एक तो जनरेटिव सेल में भी हो सकते हैं, पोलन ग्रेन में भी हो सकते हैं, या फिर पोलन ट्यूब में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पोलन ट्यूब है, आप लोग बोलोगे आप पोलन ट्यूब क्या है भैया, तो ये पोलन ट्यूब है, ओके, यहाँ से है ये पोलन ट्यूब है, ओके। उसके बाद क्या बताया, द पोलन ग्रेन्स आर शीट फ्रॉम द एंथर एंड दिस टू सेल स्टेज इज मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब इसमें क्या बता रहा है, तो यहाँ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो ये दो सेल स्टेज बना है, जो ये दो स्टेज बताया है मैंने, माइटोटिक डिवीजन के दो स्टेज बताया है, ऐसे दो सेल स्टेज ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म सेल्स में पाए जाते हैं, ओके। एंड्रोशियम के बारे में, एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम बोलते हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं एंड्रोशियम के, उसको
पार्ट्स को डिवाइड करके रखता है, मतलब कंसिस्ट करके रखता है, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। हमने अब पढ़ा एंथर के बारे में। एंथर क्या है? अगर वो दो लोब का रहेगा तो उसको हम टेट्रास्पोरेंजियस बोलेंगे, और एक लोब का रहेगा तो उसको हम बोलेंगे, हम उसको मोनोथीशियस बोलेंगे। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आर्चियोपोरल सेल है वो दो टाइप से डिवाइड होता है, एक होता है स्पोरेंजियस सेल और एक होता है प्राइमरी पार्शियल सेल। स्पोरेंजियस सेल क्या करता है? स्पोरेंजियस टिश्यू बनाता है, और स्पोरेंजियस टिश्यू माइक्रोस्पोर टेट्रेट को ग्यूराइज करता है। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियस हुआ है, यहाँ जो ये प्रोसेस हुई है माइक्रोस्पोरेंजियस, वो कैसे हुई, किसके थ्रू हुई? तो वो हुई है हमारी स्पोरेंजियस टिश्यू के थ्रू। ठीक है, स्पोरेंजियस टिश्यू के थ्रू, क्योंकि स्पोरेंजियस टिश्यू जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्रेट को ग्यूराइज करता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि पार्शियल लेयर जो है वो दो टाइप की, सॉरी चार टाइप में डिवाइडेड है, फोर लेयर में डिवाइडेड है। एपिडर्म्स, ओके, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपिटम, इन चारों में डिवाइड है। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, फ्लैटन सेल से बनी हुई। एंडोथीशियम क्या है? सब लेयर है जो रेडियली इलॉन्गेटेड सेल से बनी हुई है, उसमें फाइब्रस थिंकनिंग है। उसके बाद आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या है? थिन वॉल सेल से बनी हुई है, और जब वो मैच्योर होती है तब डिसइंटीग्रेट हो जाती है। यहाँ पे जैसे बताया है, यहाँ पे से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। उसके बाद बताया है जो हमारी लास्ट की लेयर है टैपिटम, वो इनर मोस्ट है, न्यूट्रिशिव लेयर है। ओके, ठीक है। और उसके बाद बताया है कि स्पोरेंजियोसिस होता है। स्पोरेंजियोसिस क्या बताया मैंने? स्पोरेंजियोसिस में बताया कि जो मदर सेल है वो माइटोटिकली, ओके, याद करना, मियोटिकली क्या करती है? हैप्लॉइड टेट्रेड माइक्रोस्पोर बनाती है, मतलब पोलन ग्रेन बनाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, दोनों एक ही है। ठीक है, अब उसमें हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन क्या है? नॉन मोटाइल है, हैप्लॉइड है, यूनिसेल्युलर है, और उसके पास सिंगल न्यूक्लियस है। उसके बाद जो हमारा पोलन ग्रेन है वो दो लेयर में, जो दो लेयर है, दो लेयर वॉल्ड है उसमें सराउंडेड, उसको हम बोलते हैं स्पोरोडम। और जो स्पोरोडम है वो दो टाइप के हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर क्या है? एक्साइन है। एक्साइन किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस से बनी हुई है। ओके, और जो हमारा इंटाइन है वो इनर लेयर है, और वो क्या कंसिस्ट करके रखता है? सेलुलोज और पेक्टिन नाम के दो कंपोनेंट जो है उसे वो कंसिस्ट करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन जो है वो बिगनिंग बता देता है कि अब मेल गैमेटोफाइट क्या है, डेवलप होने वाला है, तो इसको डेवलप करो। डेवलप कैसे होता है? दो टाइप से डेवलप होता है, दो डिवीज़न करता है। पहला डिवीज़न जो होता है वो माइटोटिक डिवीज़न होता है, मतलब दोनों ही माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। पहला, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न क्या होता है? दो सेल्स बनाता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। उसके बाद सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न में वो क्या करता है? जो जनरेटिव सेल है उसको अपने पास रखता है, वेजिटेटिव सेल को छोड़ देता है। जनरेटिव सेल से क्या बनता है? दो मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, इतना मैंने बताया। अब जो आगे की वीडियो है वो आपको सेकंड पार्ट में, मतलब आई मीन पार्ट थ्री में पता चलेगी कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। उसके बाद जो हमारा पोलन ग्रेन हमने बनाया वो क्या करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, अब हम उसको बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो ये वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करना। ओके गाइस, लाइक ज़रूर करना प्लीज़। ओके, और इसकी जो नोट्स है मैं इसको डाल रही हूँ शॉर्ट्स में, मैंने पहले असेक्शुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के भी डाले हैं, और आज मैं इसके अभी डाल दूँगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लाइक करो और अच्छे से पढ़ो।